चलिए सबको ध्यान दिया जाए। यूक्लिड का भाग लेमा या यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम क्या है? देखा जाए, इसका एक सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। आ जाए एग्जाम्पल एगो देखते हैं। मान लीजिए कि 4 से हमको 9 में भाग करना है, 4 दुनी 8, शेष कितना बच गया? इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य, इसको भाजक, ये वाला को भागफल और नीचे वाला को शेषफल। यदि हमको इसको जो साधारण है कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको बैठाएंगे इस फॉर्मूला, तो जहाँ ए है वहां पर लिखेंगे, मतलब ए को 9 मान लेंगे, बी को 4, फॉर्मूला में बैठाइए 9, बी के जगह पर 4, और भागफल, भागफल कितना है 2, और शेषफल कितना है 8। यही तो हो गया आपका यूक्लिड का भाग लेमा। ये साधारण भाग है और इसको इस विधि से बनाएंगे, इसको कहेंगे यूक्लिड का भाग लेमा। ठीक, चलिए अगला जो है महत्तम समावर्तक और यूक्लिड का एल्गोरिथम का प्रयोग है, यानी कि इसको हम लोग यूक्लिडियन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। इसके यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमको मोशन निकालना है महत्तम। फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एग्जाम्पल लेते हैं 18 और 24 का मोशन निकालें। सबसे पहले हम लोग जो बड़का होगा, दोनों में 12 उसको मान लेंगे ए, दोनों में 12 कितना है, फिर छोटा वाला को मान लेंगे बी। मान लीजिए यदि हमको पहले जो हम लोग मौसम जानते हैं निकालने का तरीका, वो इस प्रकार निकालते हैं, एक बटे में लगाएंगे 18, फिर घटाव करेंगे तो 14 में से आ जाएगा 6, एक से कट जाएगा, 18 को इधर लिखेंगे 18, और इसके बाद ये कट गया। ये मौसम हम लोग जानते हैं निकालने का। अब नया विधि है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए है वहां लिखेंगे 24, जहाँ बी है वहां लिखेंगे 18। अब हम लोग कई मरतबे लगाए हैं, एक मरतबे लगाए हैं, तो शेष कितना आया है 6। अब क्या करेंगे, फिर 18 को आगे कर देंगे, 18 को आगे कर दिए और फिर शेष से लगाएंगे, शेष से लगाएंगे, तो फिर 18 को हम लोग बीच में लिखेंगे, 6 से लगाए हैं, तो कई मरतबे लगाए हैं 3 मरतबे, तो यहाँ लिखेंगे 3, और शेषफल कितना है, कट गया ना पूरा, तो शेषफल 0। जब शेषफल 0 हो जाए, आर बराबर 0, तो मौसम बराबर होगा, जितना से कटेगा वही ऐसा, तो कैसे कटा है 6 से, तो मौसम कितना होगा 6। से क्वेश्चन है 135 और 225 का मौसम यूक्लिडियन एल्गोरिथम से प्रयोग से ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो इसमें बड़ा होगा उसको मानेंगे ए, 225, छोटा को मानेंगे 135। फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिडियन एल्गोरिथम यही है। अब इसमें जो है जहाँ पर ए है वहाँ बिठाएंगे 225, जहाँ बी है वहाँ बिठाएंगे 135। अब इसमें हम कितना से लगाए और कितना शेषफल बचेगा, इसको जानने के लिए जो हम लोग साधारण भाग होता महत्तम होता वो निकालेंगे, 225, 135, एक मरते लगा दीजिए, घटाव करो, 5 में से 5 जाएगा, एक हाथ लेंगे 12, 12 में 3 जाएगा 9। अब 135 को इधर लिखा जाए, एक मरते लगाया जाए, कितना आएगा 90, फिर घटाव करो, 5 में से 0 घटेगा 5, 13 में से 9 गया। अब 90 को इधर लिखेंगे और 45 में नहीं, यह है साधारण मौसम निकालने का तरीका, हम लोग जानते हैं। अब इसी से हम लोग इसको हल करेंगे, तो देखते हैं 135 को कितना मरतबा लगाए हैं, एक मरतबा, शेषफल कितना आया है, यानी कि हम क्यू के जगह पर लिखेंगे 1 और शेषफल आ गया है। अब इसे क्या मतलब है कि इसको आगे लिखना है, लिखना है ना। अब जो है 135 को आगे लिखेंगे और जो शेष आएगा आया है उसी से लगाएंगे 135। देखा जाए यहाँ पर 135 तो बीच में लिखे हैं, 90 से लगाए हैं क्या मरतबे, तो शेषफल कितना आया,
तो यहाँ लिख देंगे गुना एक, सक्सेसफुल आ गया है। फिर 90 को आगे लिख देंगे, तो 90 को आगे लिख देंगे, 45 से लगाएंगे, तो 45 से लगाए हम लोग तो कई बार कटा है, दो बार में कट गया, सक्सेसफुल कितना हो गया 0। जब सक्सेसफुल 0 हो जाएगा तो मौसम आपका हो गया 45, यानी कि लिखेंगे हम लोग 225, 135 और 225 का मौसम 45, कितना होगा इसका मौसम 45।